नमस्कार, मैं हूँ शारदा और स्वागत है आपका कुकिंग विद शारदा में। आज हम बनाएंगे सूजी की बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मसालेदार पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाते हैं। मिक्सी बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी और डालेंगे गुनगुना पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। आधा घंटा हो चुका है, सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसे हमें अच्छे से गूंथना है ताकि हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसके हम छोटे छोटे गोले बनाकर रख देंगे। सूखा आटा लेकर हम इसकी रोटी बना देंगे और हमें इसे पतला ही बेलना है, जिससे हमारी पूरी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, तेल भी मैंने गैस के ऊपर चढ़ा लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो मसाला हमने बनाया है, ये हम पूरी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। रोटी को हम लंबा लंबा काट देंगे और याद रखें, इसे हमें लंबा ही कट करना है और बीच में से लंबा काट देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और हमने ये जो लंबी लंबी पूरी काटी थी, इसे हम तल लेंगे और इसे हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक ही इसे तलना है। और इसी तरह ही हमें सारी पूरियां तल लेनी है। हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था, इसमें हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटपटी सूजी की पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।